We are discussing the chapter number 3 of our history portion named Retaliation and the Struggle of the British India. And in our last class, we discussed about the Anglo-Maratha War and Anglo-Mysore War. In our today's class, we are going to discuss the Anglo-Sikh War. And also, students, I will discuss that the Marathas and the Nizams of the Hyderabad and the Haider Ali, Tipu Sultan, and the lastly, the Sikhas are the most powerful riyasatas or the kingdoms of the British era. हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों, हमने पढ़ा कि मराठास जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो ब्रिटिशर्स है वो कैसे मराठास के पावर को डेमोलिश करें, कैसे खत्म करें। सेकेंडली वी टॉक अबाउट द एंग्लो मैसूर वॉर, हैदराबाद और उसके आसपास का जो रीजन है, ठीक है ना। और इसमें हमने पढ़ा था कि सेकेंड जो प्रॉब्लम थी ब्रिटिशर्स के लिए, साउथ इंडिया की तरफ अगर एक्सटेंड करना था, उन्हें अपने किंगडम को और बढ़ाना था, तो हैदर अली टीपू सुल्तान को उन लोगों ने किस तरह से जो है अपने रास्ते से हटाया। और थर्डली द मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ द सिखास इज वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कह सकते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज था ब्रिटिशर्स के लिए सिखों की पावर को खत्म करना। एंड ऑल्सो वी डिस्कस द राजा रंजीत सिंह इन अवर सेकेंड चैप्टर, द लास्ट टॉपिक था। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था बच्चों कि ये कुछ ऐसे रूलर थे पंजाब सिंध प्रांत के रीजन के, जिन लोगों ने अपनी पावर को सिख रिलीजन को यूनाइटेड भी किया, लेकिन साथ में ही सिखों की पावर को इन्होंने इस तरह से कह सकते हैं कि बढ़ाया कि ब्रिटिशर्स जो थे उनके लिए आगे आगे ये जो सिख थे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए थे। क्योंकि पंजाब आज की तारीख में बच्चों जो हम लोग देखते हैं कि एक तो इंडिया में जो पंजाब का रीजन है वो, प्लस पाकिस्तान में ये कह सकते हैं कि सतलज रिवर की ईस्टर्न साइड वाला जो रीजन है, जो सिंध प्रांत या जो लाहौर आप समझ सकते हैं, प्रेजेंटली जो पाकिस्तान आप समझ सकते हैं, ये पूरा जो रीजन था ये किसी समय में जो है यहाँ पर जो सिख एम्पायर था वो एस्टेब्लिश था, राजा रंजीत सिंह। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास के अंदर हम अपना थर्ड जो वॉर है जो एंग्लो सिख वॉर के नाम से जाना जाता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट आर द रीजन ऑफ द एंग्लो सिख वॉर एंड हाउ द ब्रिटिशर टुक कंट्रोल ओवर द पंजाब एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सतलज रिवर। आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने जो है सिख पावर को खत्म किया और सतलज रिवर का जो ईस्टर्न पार्ट था, है ना, जो लाहौर पाकिस्तान वगैरह ये जो आज हम देखते हैं, ये सारा रीजन प्लस पंजाब का जो रीजन है उसको किस तरह से इन्होंने एनेक्स किया, ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग अपना ये टॉपिक और जानते हैं कुछ मेन रीजंस, कुछ बेसिक्स क्या थे इस वॉर के पीछे, के रीजन क्या थे, क्या कारण थे। तो देखिए द रूलर ऑफ द अफगानिस्तान मेड रंजीत सिंह एज गवर्नर ऑफ पंजाब। बच्चों रंजीत सिंह वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन आवर लास्ट क्लास सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा था राजा रंजीत सिंह जो कि बाद में पंजाब के रूलर बने, जिन्होंने जो सतलज रिवर है उसका ईस्टर्न पार्ट तक अपने किंगडम को इन्होंने एक्सटेंड किया, साथ ही सिख पावर को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाया, अपनी एक बहुत ही वास्ट आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी इन्होंने खड़ी की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट के अंदर, ठीक है। तो जो अफगानिस्तान के रूलर थे उन्होंने सबसे पहले पंजाब का गवर्नर इनको अपॉइंट किया था, ठीक है। तो आप ये बात तो समझ ही जाए कि ये जो रंजीत सिंह थे ये किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है ना। इनके फादर या ये कह सकते हैं इनकी फैमिली राजपूत फैमिली थी, तो ये राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो रंजीत सिंह विश टू कंट्रोल ईस्ट रीजन ऑफ द सतलज रिवर। इंडिया में जो सतलज रिवर का फ्लो है, अगर आप देखेंगे कि देखिए जैसे बच्चों मैं बता रही हूँ, ये इंडिया का नॉर्थ पार्ट है, ठीक है। आप लोगों ने ऑलरेडी इंडिया का जो इंडिया की रिवर्स के बारे में क्लास 9 के अंदर पढ़ रखा है, तो आपको ये पता है कि यहाँ पर सतलज रिवर जो है इंडिया के नॉर्थ से यहाँ से फ्लो करती थी, और बाद में अगर हम बात करें इस तरह से पाकिस्तान की तरफ या ये कह सकते हैं कि इंडस रिवर में मिल जाए
जाती है, मर्ज हो जाती है। तो ये सतलज रिवर है और सतलज रिवर के इस साइड वाला जो रीजन है, अगर मैं इस रिवर का ये डायरेक्शन देखूँ तो ये तो है वेस्ट और ये सतलज रिवर का ईस्ट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर तो रणजीत सिंह का पूरा किंगडम था ही, लेकिन ही वॉज मिस टू कंट्रोल ओवर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतलज, मतलब ये सतलज रिवर के ईस्टर्न पार्ट को कंट्रोल करना चाह रहे थे और यही मेन रीजन बना ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच के डिस्प्यूट का, इन दोनों के बीच के वॉर का रीजन बना कि रणजीत सिंह जो थे वो सतलज रिवर के ईस्टर्न पार्ट को भी कंट्रोल करना चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए द फैब 1819 द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड द रीजन। तो 1809 फैब तक ब्रिटिशर्स ने ये जो रीजन था ईस्टर्न रीजन ऑफ सतलज रिवर इस पर अपना कंट्रोल कर लिया था, जबकि कंट्रोल करने की इच्छा किसकी थी, रणजीत सिंह चाह रहा था कि मैं सतलज रिवर के ईस्टर्न पार्ट को कंट्रोल करूं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने 1809 तक आते आते सतलज रिवर का पूरा जो ईस्टर्न पार्ट है उस पर अपना कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, एंड व्हाट इफ एनी इन्वेजन टू प्लेस फ्रॉम द लाहौर, इट वुड बी स्टॉप थ्रू आउट द मिलिट्री पावर। और इसी के साथ में ब्रिटिशर्स ने ये वार्निंग दी कि अगर सतलज रिवर के ईस्टर्न रीजन पर लाहौर की तरफ से अगर कोई अटैक करेगा तो उसका जवाब मिलिट्री कैंपेन के साथ दिया जाएगा या मिलिट्री पावर का यूज किया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि खुली चेतावनी थी रणजीत सिंह के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने रणजीत सिंह से पहले ही सतलज का जो ईस्टर्न पार्ट था, मतलब सतलज रिवर का ईस्टर्न डायरेक्शन वाला जो पार्ट है ना, उस पर अपना कंट्रोल कर लिया था और साथ में चेतावनी भी दे दी थी कि अगर किसी ने इस रीजन पर अटैक किया या इसे पाने की कोशिश की तो वो लोग मिलिट्री पावर का यूज करेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये खुली चेतावनी थी रणजीत सिंह के सामने ब्रिटिशर्स की। ठीक है, तो ये मेन रीजन बना जिसके कारण एंग्लो सिख वॉर हुए। ठीक है, द रणजीत सिंह अटैक एंड वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स। लेकिन जब दोनों के बीच में वॉर हुआ तो इस वॉर के अंदर रणजीत सिंह बहुत बुरी तरीके से हार गए एंड साइन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। बच्चों इसे आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन कई बार 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 मैं आपको बता रही हूँ, एंग्लो सिख वॉर, मराठा वॉर, मैसूर वॉर, इनमें जितनी भी ट्रीटीज है वहां से कई बार 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप प्लीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों कि 25 अप्रैल 1809 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर ब्रिटिशर्स और रणजीत सिंह के बीच में साइन की गई और इसमें जो चीजें कही गई वो भी आप देख रहे हैं। ब्रिटिश took control over the east of सतलज रिवर और इसमें ये मान लिया गया कि ब्रिटिशर्स का सतलज रिवर के ईस्टर्न पार्ट पर पूरा पूरा अधिकार रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा आफ्टर द रणजीत सिंह द खड़क सिंह बिकम पॉपुलर। रणजीत सिंह की कुछ समय बाद डेथ हो जाती है, रणजीत सिंह की डेथ के बाद में पंजाब के नए जो न्यू रूलर बनते हैं उनका नाम था खड़क सिंह। लेकिन खड़क सिंह वॉज नॉट द स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, इसके पास एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन आप समझते हैं व्यवस्था, प्रबंध करना, सिस्टम को चलाने की जो स्किल्स थी वो अच्छी नहीं थी, मतलब ये समझ सकते हैं ही वॉज नॉट अ कैपेबल रूलर, अच्छा कैपेबल रूलर नहीं था। इसके कारण बाद में धीरे धीरे यहाँ पंजाब के अंदर जो डोगरा ब्रदर्स थे उनका असर पंजाब के अंदर बढ़ता गया, इन लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया और कहीं ना कहीं ये जो रणजीत सिंह और खड़क सिंह का जो पावर था वो धीरे धीरे खत्म होने की तरफ चल गया। ठीक है, तो देखिए आफ्टर द रणजीत सिंह खड़क सिंह बिकम द रूलर बट ही वॉज नॉट स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, सो द इंटरफेरेंस ऑफ डोगरा ब्रदर्स इंक्रीज इन द कोर्ट। और इसी कारण जो ये सिख पंजाब का जो कोर्ट था, खड़क सिंह का जो कोर्ट था यहाँ पर, क्योंकि खड़क सिंह के पास तो एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल थी नहीं, इसे ये ही नहीं पता था कि सिस्टम को चलाना कैसे है, कैसे गवर्न करना है, तो इसी का फायदा कैसे आया, इसके कोर्ट के अंदर 2 भाई थे जिनको डोगरा ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। कंटिन्यू इन्होंने इसकी इस कमी का, खड़क सिंह की इस कमी का फायदा उठाया और कोर्ट के अंदर हर डिसीजन के अंदर इन्होंने अपना इंटरफेरेंस
शुरू कर दिया, दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया, तो ये कह सकता है कि खड़ग सिंह के कोर्ट के अंदर जो ये डोगरा ब्रदर्स थे, दोनों भाइयों ने खड़ग सिंह की पावर का गलत यूज किया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि कहीं ना कहीं सिखों के साथ ब्रिटिश जो वॉर था वो डिसाइड हो गया था। कि इसका मेन रीजन जो था, पहली चीज तो ये थी कि बच्चों देखें कि ब्रिटिशर जो है वो कंटिन्यूटी के अंदर यही चाह रहे हैं कि धीरे धीरे इंडिया का जो एक एक जो रियासत है, जो एक एक किंगडम है, इंडिपेंडेंट जितने भी किंगडम्स और रियासत है, उनको अपने कंट्रोल में लिया जाए, ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर लिया जाए। तो इनकी जो ये इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन थी, सबसे बड़ा कारण यही थी कि इंडिया के ऊपर धीरे धीरे इन्होंने सबसे पहले मराठाओं को खत्म किया, फिर इन्होंने मैसूर पर कंट्रोल कर लिया, और अब यहाँ पर सिख पावर को भी ये लोग खत्म करने वाले। अब हम चलते हैं द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इनके बीच में हुआ, मेन रीजन क्या थे, पहले ही हम लोग इसी की बात कर लेंगे बच्चों। तो देखते हैं द इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस एंड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वर द मेन रीजन ऑफ दिस वॉर। तो देखिए फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का जो सबसे बड़ा रीजन था वो था इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्य विस्तार, साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया गया, साम्राज्य को बढ़ाओ, अपनी किंगडम को एक्सटेंड करो, ये अंग्रेजों का सबसे पहला जो था एम था, इनका गोल था। सेकेंडली था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। हम लोग इस चैप्टर के स्टार्टिंग से बच्चों ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तभी इन्होंने ये पता लगा लिया था कि इंडिया के अंदर कई पूरा जो ये यूनाइटेड इंडिया है ये अब औरंगजेब के बाद स्मॉल स्मॉल किंगडम में डिवाइड हो चुका था, पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी, आपस में लोग लड़ रहे थे अपने किंगडम को एक्सटेंड करने के लिए, जिसका फायदा इन्होंने उठाया। तो बेसिकली ये दो रीजन थे, एक तो सबसे बड़ी बात तो इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन ही थी, अपने साम्राज्य को बढ़ाने का जो लालच था ब्रिटिशर्स का, उसी के कारण ये सिख वॉर हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं हम कुछ यहाँ पर डेट बाई डेट जो भी इवेंट हुए वो देखेंगे। सबसे पहले 13 दिसंबर 1845 अगर सिख वॉर पूछा जाए तो इस समय यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कह सकते हैं कि या ये जो गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड हार्डिंग थे, जिन्होंने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की शुरुआत की, डिक्लेरेशन किया इसने, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है वो कब स्टार्ट हुआ, तो 13 दिसंबर 1845 में, ठीक है। सेकंड थिंग द 10th February 1846 AD, यहाँ पर देखें द सिख वॉर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ द सबरॉन। सबरॉन जगह है यहाँ पर सिख और ब्रिटिशर्स के बीच में बच्चों बैटल हुआ, जिसमें 10th फेब 1846 के अंदर जो सिख थे वो ब्रिटिशर्स से पूरी तरह से हार गए, एंड 13th फेब 1846 द ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइड लाहौर, और इस तरह से ब्रिटिशर्स का लाहौर पर कंट्रोल हो गया। ये थोड़ा ध्यान में रखना कि मैंने आपको ये बताया है कि अफगानिस्तान का जो रूलर था उसने रणजीत सिंह को पंजाब का गवर्नर बनाया था। ये पंजाब अपने इंडिया वाला पंजाब नहीं है, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले सतलज रिवर का जो वेस्टर्न पार्ट था, सतलज रिवर का इधर वाला जो हिस्सा था, ये इसी समय में लाहौर के अंदर या इसी को पंजाब कहते थे, और ये जो रणजीत सिंह थे इनके अंडर में आता था ये लाहौर वाला रीजन। तो सिखों का कंट्रोल था लाहौर के ऊपर, लेकिन 13 फरवरी 1846 को सबर गांव के अंदर जो बैटल हुआ उसमें सिख हार गए और लाहौर पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया। तो कह सकते हैं कि इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट था वो भी ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर दिया गया, एनेक्स कर लिया गया। आगे चलते हैं कि इस ट्रीटी के अंदर क्या क्या समझौते हुए या और क्या क्या आगे हम लोग इवेंट्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट 1846 द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिख एंड ब्रिटिशर्स के बीच में जो ट्रीटी हुई थी वो ट्रीटी ऑफ लाहौर के नाम से जानी जाती है, 1846 के बीच में हुई, ठीक है। आप देखें इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए, मतलब इस ट्रीटी के अंदर क्या क्या शर्तें रखी गई, किन किन चीजों को शामिल किया गया। तो देखें जलंधर दो आर वाज एनेक्स्ड इन द ब्रिटिश एम्पायर,
region. The region between two river is called Doha. तो यहाँ पर लाहौर में या लाहौर के आसपास ये जो जलंधर वाला जो रीजन था, जो दो आपके नाम से फेमस था, इसे ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया और अपने किंगडम में मर्ज कर लिया। तो पहली चीज तो जलंधर दो आप जो है ब्रिटिशर्स के रीजन में चला गया। सेकेंड देखिए, 2 crore 50 lakh were paid as war damage by the Sikh. यहाँ पर जितना भी ब्रिटिशर्स का नुकसान हुआ था इस वॉर के अंदर, उसके बदले में 2 crore 50 lakh रुपीस सिखों की तरफ से ब्रिटिशर्स को पे किए गए वॉर डैमेज के नाम पर। मतलब युद्ध में, बैटल में जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई किसने की? सिखों ने की। थर्ड आ जाएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ द सिख सोल्जर्स वर रिड्यूस्ड इन आर्मी। नंबर 3, जो आर्मी थी, आर्मी के अंदर सिख सोल्जर्स की जो नंबर्स थे वो रिड्यूस कर दिए गए। मतलब आर्मी में से सिखों को निकाल दिया गया, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई थी कि अगर आर्मी के अंदर सिख जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा ब्रिटिशर्स के लिए खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने आर्मी में से सिख सोल्जर्स को हटाना शुरू कर दिया, ठीक है? एंड 22 दिसंबर 1846 द ट्रीटी ऑफ भैरावल, द ट्रीटी ऑफ भैरावल, ब्रिटिशर्स बिकम द ओनर ऑफ पार्ट ऑफ पंजाब। और ब्रिटिशर्स जो है भैरावल ट्रीटी 1846 22 दिसंबर में भैरावल ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये फैसला दिया गया कि ब्रिटिशर्स जो है अब से पंजाब के मालिक माने जाएंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर सिखों के पावर को कहीं ना कहीं खत्म कर चुका था, डेथ लाइन तक ले आया था, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाहौर पर कंट्रोल हो गया, बाद में भैरवगढ़ की जो ट्रीटी हुई उसमें भी पंजाब वाला रीजन भी सिखों के हाथ से निकल गया, आर्मी में से सिखों को हटा दिया गया। 2 crore 50 lakh रुपीज जो है ऐसा वॉर डैमेज की तरह अंग्रेजों ने सिखों से वसूल किए। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंसल्टिंग, कितनी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज थी, कितनी तकलीफ सिखों को उठानी पड़ी इस ट्रीटी के बाद, इस वॉर के बाद में। अब देखते हैं, हम अभी भी देखिए बच्चों, सिखों की पावर खत्म नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पर एक और वॉर होता है, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ठीक है? जान लेते हैं कुछ मेन रीजन सेकेंड इस वॉर के। तो देखते हैं 1847 to 1848 ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस एंटी सिख रिफॉर्म्स। 1847 से 48 के बीच में ब्रिटिशर्स ने एंटी सिख रिफॉर्म्स किए। एंटी सिख समझ गए, मतलब सिखों के खिलाफ। कुछ सुधार तो किए लेकिन सारे सुधार सिखों के खिलाफ थे, है ना? क्योंकि आप यहीं पर देख लीजिए, ये एंटी सिख रिफॉर्म ही तो है कि ब्रिटिशर्स ने आर्मी के अंदर से सोल्जर्स को हटाया, तो भी कौन थे? सारे सिख थे। सिखों की पावर को खत्म करना चाह रहे हैं ये लोग, और इसीलिए इन्होंने यहाँ क्या किया, एंटी सिख रिफॉर्म्स करना शुरू किया। पंजाब के अंदर सिखों को सोल्जर्स जो है आर्मी के अंदर से हटा दिए गए, और भी कई सारे बड़े बड़े डिसीजन लिए गए। जब आप 1857 का रिकॉर्ड पढ़ेंगे बच्चों, तो आप ये पढ़ेंगे कि जो आर्मी के अंदर जितने भी सिख थे उनको परेशान करने के लिए एंटी सिख जो रिफॉर्म्स किए गए, उसमें यहाँ तक कहा गया कि आर्मी के अंदर चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, कोई भी हो, इन्हें अपनी दाढ़ी पूंछ कटवानी पड़ेगी, लंबे जो बाल थे वो कटवाने पड़ेंगे। तो सोचिए, हम लोगों ने सिख रिलीजन गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह हमने पढ़ा है, हरगोविंद सिंह पढ़ा है, हमने पढ़ा था कि 5 प्रकार जो थे वो सिखों के लिए, जो खालसा सेट के थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने पढ़ा था केश, केश मतलब लंबे बाल रखना। आज भी आप देखिए जो सिख रिलीजन के लोग होते हैं वो पगड़ी बांधते हैं, लंबे केश रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा किया गया, और साथ में कड़ा रखना भी बंद करवा दिया गया, जबकि सिखों के रिलीजन से जुड़ी हुई है, रिलीजियस फीलिंग से, उनके सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है कि हाथ में कड़ा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इन्होंने आर्मी में रहने वाले सोल्जर्स की हटाना शुरू कर दी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1847 से 48 के बीच में एंटी सिख रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किए। साथ में द राइट ऑफ ग्रामीण जिन्ना वर टेकन अवे। ये वो समय है जब यहाँ पर पंजाब या ये कह सकते हैं कि जो सिखों की रानी थी उनका नाम था रानी जिंदा, जिनसे इनकी पावर छीन
ठीक है, एंड इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट एंड द डलहौजीज डिजायर ऑफ ब्रिटिश रूल वर द रीजन ऑफ वॉर। अब ये जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ इसका और क्या रीजन था? पहला रीजन तो हमने पढ़ लिया एंटी सिख रिफॉर्म्स जो थे वो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, आर्मी के अंदर कड़ा नहीं पहनना है, बाल लंबे नहीं होने चाहिए, दाढ़ी नहीं रखनी है, मूंछ नहीं रखनी है, ये सारी चीजें। लेकिन इसके अलावा क्या, एक तो ब्रिटिश जो रेजिडेंट होता था, अभी ब्रिटिश जो रेजिडेंट है कौन होता था, अगर आपको याद हो तो कल मैंने बताया था आपको कि जो लॉर्ड वेलेसली थे इन्होंने कई सारी नई पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें से एक थी सब्सिडरी एलियंस की पॉलिसी, सहायक संधि, जिसमें ये प्रपोजल देसी रियासतों के राजाओं के सामने रखा जाता था कि ब्रिटिशर्स की अगर ये अलायंस में अगर कोई राजा साइन करता है तो अंग्रेज जो है अपनी सेना की मदद देंगे उसको। और दूसरा ही उस ब्रिटिशर्स का एक रेजिडेंट हमेशा उस किंग के उस रूलर के कोर्ट में मौजूद रहेगा, ठीक है। हालांकि शर्त ये भी रखी गई थी कि वो कभी भी उनके इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी मामले में, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हुआ। ब्रिटिश रेजिडेंट जो इन लोगों के कोर्ट में रहते थे इनका इंटरफेरेंस बढ़ गया, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इंटरफेरेंस इन लोगों का बढ़ गया। दूसरी चीज डलहौजी डिजायर्ड ऑफ ब्रिटिश रूल, अब यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ये भी ईआईसी का गवर्नर था, वेलेसली की तरह ही ये भी बहुत ही इंपेरियलिस्टिक एम्बिशंस वाला पर्सन था, अपने साम्राज्य विस्तार कह सकते हैं अपने किंगडम को एक्सटेंड करने में लगा हुआ था, तो चाह रहा था कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल को एक्सटेंड किया जाए। ये मेन रीजन थे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की, ठीक है। अब आगे देखते हैं मेन इवेंट 10 अक्टूबर 1848 to 30 मार्च 1849 द फाइनल वॉर इन द सिख। तो आप देख सकते हैं लगभग 1 ईयर तक ये वॉर चला, ठीक है, और शेष सिख 36 एंड द मूल सरेंडर। अब यहाँ पर कुछ सिख कमांडर थे जिन्होंने इस सिखों की तरफ से आर्मी को कमांड किया था, जिसमें से शेर सिंह, छतर सिंह और मूल राज और कई सारे और कमांडर थे जिन्होंने बाद में सरेंडर कर दिया। एंड डलहौजी अनेक्स्ड द पंजाब इन द ब्रिटिश इंडिया ऑन द 29 मार्च 1849। और इस तरह से डलहौजी ने, याद रखना नाम, उस समय ईआईसी का जो गवर्नर था वो डलहौजी था बच्चों, तो डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को पंजाब को ब्रिटिश इंडिया में मर्ज कर लिया। ब्रिटिश इंडिया मतलब वो इंडिया का पार्ट जो जिस पर अंग्रेजों का पॉलिटिकल कंट्रोल है, जहाँ पर अंग्रेजों का इकोनॉमिक कंट्रोल है, मतलब वे भारत के वे रीजन जहाँ पर अंग्रेजों का कंट्रोल है वो ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया में पंजाब कब मर्ज हुआ? 29 मार्च 1849। अब बच्चों ये देखिए कि हमने एंग्लो सिख वॉर पढ़ लिया, हमने एंग्लो मराठा वॉर पढ़ लिया, हम लोगों ने एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ लिया, कहीं ना कहीं ये लोग हार तो गए थे, अपना किंगडम खो बैठे थे, लेकिन बदले की जो आग थी, जो एवेंज लेने की जो इच्छा थी लोगों के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं दबी थी। अपनी अगली क्लास के अंदर हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे, जिसको वीडी सावरकर ने इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहा था। और बच्चों आपको ये जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं ये आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं इस 1857 के रिवॉल्ट का कारण बनता है। कहते ना कि जब चीजें अंदर ही अंदर बिगड़ती है तो बाद में सब कुछ जो है एक लड़ाई के रूप में आगे आता है, आंखों के सामने आता है। यहाँ पर ये सब अभी तो हार रहे हैं, सब अपना लोग सब कुछ खो बैठे हैं, पंजाब यहाँ से हाथ में निकल गया, कल की क्लास में हमने देखा मैसूर हाथ से निकल गया, उससे पहले हमने देखा मराठा का जो महाराष्ट्र वाला रीजन था वो भी हाथ से निकल गया, अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया, कंटिन्यूटी में जो ब्रिटिशर्स है वो गलत डिसीजन लिए जा रहे हैं, एम्पायर को एक्सटेंड करते जा रहे हैं। बच्चों अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, कल हम 1857 का रिवॉल्व पढ़ेंगे, ये ही सारे रीजन बनेंगे ब्रिटिशर्स के जो ये लोग परेशान कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारे रीजन बनेंगे